Hello students, I am Srishti and I am going to teach you geography and today's our topic is agriculture. यदि हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे तो ये हमारे फॉलोइंग टॉपिक्स होंगे. फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सेकेंड हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न, थर्ड हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉपिंग इन इंडिया, फोर्थ फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, फिफ्थ हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स, सिक्स्थ हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. एंड लास्ट हम यदि बात करें तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट्स. यदि हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर होता क्या है, हमारी कंट्री में किस टाइप से एग्रीकल्चर होता है, कितने तरीके पैटर्न्स एग्रीकल्चर के होते हैं, सो अभी मैं आपको सबसे पहले समझाती हूँ कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर होता क्या है. सो हमारी कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर मॉनसून बेस्ड होता है, इसलिए जनरली हमारी कंट्री को एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री कहा जाता है, क्योंकि इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में पार्ट किया हुआ है. उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर होते कितने टाइप का है, सो एग्रीकल्चर बेसिकली 4 टाइप से हमारी कंट्री में किया जाता है. पहले यदि हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर हमारे यहाँ फर्स्ट तरीके से पहले होता था, जिसको हम बोलते थे प्रिमेटिव सब्सिस्टेंसिंग फार्मिंग. इस टाइप की फार्मिंग में फार्मर अपने लिए, सिर्फ अपने लिए खेती करता था, जिसके टूल्स भी बहुत बेसिक होते थे, जिसकी खेती का प्रोडक्शन बहुत कम होता था, इसलिए हम इसे प्रिमेटिव सब्सिस्टेंसिंग फार्मिंग कहते हैं. सेकेंड यदि हम बात करें कि कौन सी होती है, तो सेकेंड हमारी होती है, सेकेंड यदि हम बात करें तो सेकेंड होती थी इंटेंसिव सब्सिस्टेंसिंग फार्मिंग. इंसेंटिव सब्सिस्टेंसिंग फार्मिंग में जनरली किसान जो होते थे वो थोड़ी खेती खुद के लिए करते थे, थोड़ी खेती सोल्ड आउट करने के लिए करते थे. उसमें उनके टूल्स थोड़े मॉडिफाई किए जाते थे, थोड़े मॉडिफाई होते थे, जिससे उनकी क्रॉप का प्रोडक्शन थोड़ा बेटर हो सके. उनका जो पर्पस होता था वो सोल्डिंग के लिए नहीं होता था, लेकिन वो जो थे वो जो उनके लिए कुछ अमाउंट अपने लिए निकाल लेते थे और जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट जो होता था क्रॉप्स का वो उसे सोल्ड आउट कर देते थे, इसलिए हम इसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंसिंग फार्मिंग कहते हैं. अब यदि बात करें तो लास्ट नहीं है हमारी, हमारा होता है कमर्शियल फार्मिंग एंड फोर्थ होती है हमारी प्लांटेशन. सो कमर्शियल एंड प्लांटेशन जनरली मिक्स ही होती है, इसलिए मैंने आपको उस चीज़ में साथ में बोल दिया. सो हमारा अब टॉपिक है कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग में फार्मर्स जो होते हैं वो यदि खेती करते हैं तो उनका पर्पस ही होता है कि वो उस क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन करे ताकि वो उसे सोल्ड आउट कर सके. यहाँ पे इनके जो टूल्स होते हैं बेसिकली वो बहुत मॉडिफाई होते हैं. इसमें फार्मर्स जो हैं वो काफ़ी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स ये सपोर्ट करते हैं ताकि उनकी क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो सके, अच्छे से अच्छा हो सके. सो इसलिए हम इसे कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं. ये तो हो गई हमारी कमर्शियल फार्मिंग की बात. अब अपन याद बात करते हैं कि प्लांटेशन होता क्या है. तो प्लांटेशन में जनरली होता क्या है कि फार्मर्स जो होते हैं जो अपनी क्रॉप्स होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में उनका प्रोडक्शन किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स वो लोग कलेक्ट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में उसका प्रोडक्शन वो दे सके, उनको सोल्ड आउट कर सकें. उनमें इसमें उन्हें काफ़ी अमाउंट में लेबर लगते हैं, काफ़ी यदि अपन बात करें तो उन्हें टूल्स लगते हैं. सो ये होते हैं हमारा प्लांटेशन. प्लांटेशन में यदि बात करें तो कॉफ़ी हो गई अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल, रबर हो गया, शुगर केन हो गया, बनाना हो गया, ये इधर से उधर मतलब बाय अपन बात करें तो स्टेट टू स्टेट से इसका प्रोडक्शन किया जाता है, स्टेट टू स्टेट उसे सोल्ड आउट किया जाता है, उसे कंट्री के बाहर भी भेजा जाता है. सो ये हो गई हमारी कमर्शियल फार्मिंग. अब अपन बात करते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब हमारी कंट्री में प्लांटेशन होता है, कमर्शियल फार्मिंग्स वगैरह होती है, लेकिन उनको करने के लिए हमारी कंट्री किस तरीके का पैटर्न यूज़ करती है उन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. सो पहले अपन बात करते हैं कि कितने टाइप्स की होती है, कितने सीजन्स होते हैं. शायद आपने सुना होगा कि या आप आपकी पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, जिसे हम बोलते हैं पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न्स लाइक रबी फर्स्ट होता है हमारा, सेकेंड होता है खरीफ एंड थर्ड होता है हमारा जायद. रबी वो क्रॉप्स होती है जिन्हें हम विंटर में ग्रो किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वीट, पोटैटोस, पीस, ये क्रॉप्स हमारी आती है रबी में, जिसका इरिगेशन पीरियड होता है अक्टूबर से दिसंबर तक का. और यदि हम बात करें कि इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट कब किया जाता है, सो इनका हार्वेस्टिंग टाइम होता है अप्रैल टू जून. सो ये बात हो गई हमारी रबी की.
अब हम बात करते हैं कि खरीफ क्रॉप क्या होती है। सो खरीफ क्रॉप्स का जो अपना सोइंग टाइम होता है, सोइंग टाइम हम जैसे कहते हैं कि इसे उगाया कब जाता है, तो जनरली इसका जो टाइम होता है वो बारिश में होने वाली फसलों को हम खरीफ की क्रॉप्स में हम उसको गिनते हैं। सो इसमें हमारी कौन कौन सी आती है, क्योंकि ऐसी क्रॉप्स जिनको पानी का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा लगता है, सो ऐसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन जनरली खरीफ क्रॉप्स के उसमें किया जाता है। सो इसमें हम बात करें कि कौन कौन सी क्रॉप्स का उगाई जाती है, तो पहली होती है हमारी माइज है, जवार है, बाजरा है, मूंग दाल है, कॉटन है, जूट है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है। मेजरली इन क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है, या हम बोले कि इन्हें कब उगाया जाता है, तो ये होता है इनका जो टाइमिंग होता है वो होता है सेप्टेम्बर से अक्टूबर का, सॉरी इसका हार्वेस्टिंग टाइम जो होता है वो होता है सितंबर से अक्टूबर का। लेकिन यदि हम इसकी बात करें कि इन्हें उगाया कब जाता है, इनका सोइंग सीजन कौन सा होता है, इसका सोइंग टाइम कौन सा होता है, तो इसका सोइंग टाइम होता है अप्रैल टू मई का। लास्ट यदि हम बात करें कि जायद क्रॉप्स कौन सी होती है, तो जायद क्रॉप्स हम उन क्रॉप्स को बोलते हैं जो जनरली रबी और खरीफ के बीच का जो टाइम होता है, जो इनके बीच का ड्यूरेशन होता है, इनके बीच में जिन फसलों को उगाया जाता है उसे हम जायद बोलते हैं। जैसे हम बात करें वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, वेजिटेबल्स है, अदर फ्रूट्स होते हैं, सो ये जो क्रॉपिंग्स की जाती है इसे हम जायद में बोलते हैं। और इनका जो यदि प्लांटिंग टाइम बोले या इनका हार्वेस्टिंग टाइम बोले वो बहुत कम होता है, सो इसलिए ये जायद में हम इनको इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो होने में या इनको हार्वेस्ट करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए ऐसी क्रॉप्स को जायद की कैटेगरी में हमने इंक्लूड किया है। अब बारी आती है कि मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती है इंडिया में। सो इंडिया में मेजर क्रॉप्स मीन्स हम यदि बात कर रहे थे अभी, हम मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि कमर्शियल क्रॉप्स में इनका भी इंक्लूडेशन होता है, ये हमारी कंट्री की मेजर क्रॉप्स में आती है। सो इनका होता है अपना राइस है, वीट है, मिलेट्स है, पल्सेस है, टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, ऑयल सीड है, कॉटन है और जूट है। ये जो क्रॉप्स होती है ये हमारी कंट्री की मेजर क्रॉप्स होती है। सो फर्स्टली हम बात करते हैं राइस की। सो राइस जो है खरीफ क्रॉप में आती है। सेकंड चीज़ इसके लिए टेम्परेचर और रिक्वायरमेंट होता है हमारे यहाँ, और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस इसकी होती है। इसको रेनफॉल कम से कम 100 सेंटीमीटर में इसका रेनफॉल रिक्वायर्ड होता है। और यदि अपन बात कर रहे हैं कि राइस की, तो आफ्टर प्रोडक्ट चाइना के बाद हमारी कंट्री मतलब इंडिया में वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन राइस का होता है। लेकिन इसका जो प्लांटेशन होता है या इसका बोले हम इसका एग्रीकल्चर कहाँ होता है, सो वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज़ में होता है, कोस्टल्स एरिया में होता है। सो राइस का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में कौन कौन से स्टेट्स में लीड कर रहा है। सो फर्स्ट है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इनका जो प्रोडक्शन है वो मेनली लीड कर रहा है। वीट जो होता है ये रबी क्रॉप्स होती है। वीट हमारे गेहूं के यदि अपन बात कर रहे हैं, तो गेहूं जो है ये ठंडे मौसम में इसका प्लांटेशंस होता है, इसका एग्रीकल्चर किया जाता है। इसको एनुअली रिक्वायरमेंट लगती है 50-75 सेंटीमीटर रेनफॉल की। थर्ड यदि अपन बात करें तो इसके लिए ब्लैक सॉइल जो है बहुत अच्छी क्वालिटी मानी जाती है यदि हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं गेहूं का। सो मध्य प्रदेश हमारे कंट्री में, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ये लीड कर रहे हैं हमारे हमारी कंट्री में वीट को ग्रो करने में। और ये हमारी कंट्री की सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स में से आती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कंजप्शन हमारी बात करें तो वीट का होता है, सो मेन फूड क्रॉप है हमारी कंट्री की। मिलेट्स की हम बात करें तो जैसे हम सभी जानते हैं कि मिलेट्स में कौन कौन सी क्रॉप्स जनरली आती है। सो पहली आती जवार, बाजरा, रागी, ये जो क्रॉप्स है ये इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स होती है मिलेट्स की। इनको कोर्स ग्रेन्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। सो यदि अपन बात कर रहे हैं तो ज्वार की अपन बात करें तो ज्वार जो होता है वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। इसका प्रोडक्शन MP, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका में होता है। बिकॉज इसका प्रोडक्शन के लिए जो हमें क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मॉइस्ट, सो इसलिए इनका प्रोडक्शन इन स्टेट्स में होता है। नेक्स्ट अपन बात करें बाजरा। सो बाजरा जो है वो
उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट ड्राई होती है, ये सैंडी सॉइल्स में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, और ये इसकी लीडिंग स्टेट्स हैं गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे सैंडी सॉइल्स ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, इसलिए इनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर होता है। रागी, रागी के लिए भी सेम है, रागी के लिए भी ड्राई कंडीशन की ज़रूरत होती है, ड्राई रीजन्स का रिक्वायरमेंट होता है, और इसका प्रोडक्शन स्टेट यदि अपन बात करें कौन कौन से लीड कर रहे हैं, तो कर्नाटका है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है और हिमाचल है। मेज़ यानी मक्का, मक्का भी एक खरीफ क्रॉप में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, इसका प्लांटिंग की जाती है। इसकी यदि हम बात करें कि टेम्परेचर इसके लिए कितना रिक्वायरमेंट होता है, तो वो 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस में इसका ग्रो किया जाता है। और इसके लिए यदि सॉइल की हम बात करें तो सॉइल जो होती है वो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल जो होती है वो बहुत बेनिफिशियल मानी जाती है इस क्रॉप वाली क्रॉप को ग्रो करने के लिए। सेकेंड चीज़ ये है कि इसके मेजर यदि अपन बात करें कि कौन से स्टेट्स में इसका प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है, सो वो है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना, ये इसके लीडिंग स्टेट से जहाँ पे इसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में किया जाता है। फिर पल्सेस, सो पल्सेस इंडिया में सबसे ज़्यादा, इवन हम बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यदि किसी होता है तो वो हमारी ही कंट्री में होता है, यदि कंजप्शन की बात करें तो कंजप्शन भी सबसे ज़्यादा हमारी ही कंट्री में इसका किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि पल्सेस जो हैं वो अपनी प्रोटीन का मेजर सोर्स होता है फॉर वेजिटेरियन डाइट जो लेते हैं उनके लिए, तो इनका लीडिंग स्टेट्स हैं अपन बात करें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है। हमारी कंट्री में मेजर जो पल्सेस जो ग्रो की जाती है वो है तुअर मीन्स अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस मतलब बटले, ग्राम मतलब चना, ये जो है ये सब दालों में आते हैं और इनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है और इनका कंजप्शन भी उतना ही होता है। जैसे हमने बात करी थी कि नॉन फूड क्रॉप कौन सी होती है रैदर देन ग्रेन्स, तो वो आती है हमारी शुगर कैन, रबर, सो ये जो क्रॉप्स हैं ये आती है हमारी नॉन फूड क्रॉप्स में। सो शुगर कैन जो है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, ये दोनों कंडीशंस में ग्रो कर जाता है। इस शुगर कैन को ग्रो करने के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट की मोस्टली रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। इसको ग्रो करने के लिए कोई पर्टिकुलर सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वैरायटी ऑफ सॉइल्स में इसका प्रोडक्शन इसको ग्रो किया जा सकता है। आफ्टर ब्राज़ील इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन शुगर कैन का माना जाता है। शुगर कैन से बहुत सारी चीज़ें बनती है, लाइक शुगर है, गैजरी मतलब गुड़ है, ये जो चीज़ें हैं ये सब हमारे शुगर कैन से बनती है और इसका काफ़ी कंजप्शन हमारी कंट्री में किया जाता है। यदि अपन बात कर रहे हैं कि इनका प्रोडक्शन किस स्टेट्स में होता है, क्योंकि इसका ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं कि आप ब्लैक सॉइल ही होना चाहिए, लॉमी सॉइल होना चाहिए, एल्यूवियल सॉइल होना चाहिए, किसी भी वैरायटी की सॉइल में ये ग्रो कर जाता है। तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये इसके लीडिंग स्टेट्स है जहाँ पर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में किया जाता है। ऑयल सीड्स हमारी कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली 12% जो इसका कंट्री का एरिया है ये ऑयल सीड के प्रोडक्शन में ही यूज़ होता है। हमारी कंट्री में काफ़ी अमाउंट में ऑयल सीड्स का यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, सेमन है, कैस्टर्ड ऑयल है, कैस्टर्ड ऑयल सीड्स हैं, लेंसेड है, कोकोनट है, सोयाबीन है, कोकोनट सीड्स है, सनफ्लावर है। यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग इनका यूज़ करते हैं, लेकिन यदि ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो ग्राउंडनट सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में इस सीड का यूज़ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसी का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में किया जाता है। और गुजरात जो है वो ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है, ये इसकी मेजर ऑयल सीड्स प्रोडक्शन कंट्री में सबसे ज़्यादा गुजरात में ही की जाती है। टी की यदि बात कर रहे हैं तो टी आप सभी जानते होंगे कि टी जो है ये हमारी कंट्री का प्रोडक्शन नहीं था, लेकिन ब्रिटिश इंडिया कंपनी हमारी कंट्री में टी को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, सो ये हमारी कंट्री का आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेज में इंक्लूड किया जाता है। और इसको यूज़ करने के लिए
इसको यूज़ करने के लिए हमारी कंट्री जो है वो लीडिंग कंट्रीज़ में भी कहीं ना कहीं इसका नाम आता है। टी को टी जो प्लांट होता है इसको ग्रो करने के लिए ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन जनरली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। इसकी फर्टिलिटी जो होती है वो वेल ड्रेन सॉइल में की जाती है। इसके एटमॉस्फेयर जो होता है वो काफ़ी ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस में इसका ग्रो किया जाता है। हमारी कंट्री में मेजर ट्री प्रोडक्शन आसाम की हिल्स में होता है, दार्जिलिंग, अपना वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। कॉफ़ी का प्रोडक्शन भी हमारी कंट्री में काफ़ी किया जाता है, और ये काफ़ी वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें तो ये अपने इंडिया की जो कॉफ़ी है वो काफ़ी फेमस है। कॉफ़ी जो है ये हमारी ही कंट्री से इंट्रोड्यूस हुई है। ये पहले बाबा बुडान हिल्स जो नीलगिरी में है और अभी प्रेजेंट है कर्नाटका में, ये कॉफ़ी इतनी फेमस हुई कि आज ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया कॉफ़ी को ही इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसके जो मेजर प्रोडक्शन स्टेट्स हैं वो कर्नाटका है, केरल है एंड तमिलनाडु है। आप सभी जानते होंगे कि जो हॉर्टिकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स की खेती को कहा जाता है। सो इंडिया जो है काफ़ी फ्रूट प्रोडक्शन में भी आगे है, लीड कर रहा है अदर कंट्रीज़ में। तो इंडिया में यदि फ्रूट्स की अपन बात करें तो अलग अलग फ्रूट अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग रीजन्स में इनका प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो, लीची, गवावा, पाइनएप्पल। अपन बात करें तो मैंगो महाराष्ट्र में काफ़ी इसका प्रोडक्शन होता है। ऑरेंज की बात करें तो नागपुर में बहुत इसका प्रोडक्शन होता है। सो ये हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में इनका इंक्लूड इनको किया गया है। नाउ नॉन फ्रूट क्रॉप्स मतलब ऐसी क्रॉप्स जो फूड्स में इंक्लूड नहीं होती लेकिन उनका प्रोडक्शन, उनका कल्टीवेशन होता है। सो बात करें तो रबर है हमारे, फाइबर्स में इंक्लूड होता है हमारा, कॉटन है, जूट है, इन्हें खाया नहीं जाता है बट इनका प्रोडक्शन होता है, इनसे दूसरी चीज़ें हमारे यहाँ बनती है। कॉटन है, कॉटन से आप सभी जानते हैं कि कपड़े बनते हैं। जूट है, जूट से काफ़ी चीज़ें बनती है हमारी कंट्री में। सो ये जो क्रॉप्स यदि हैं वो आती है अपनी नॉन फूड क्रॉप्स में। जूट जो होता है ये हमारी कंट्री में गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ल्ड में, इंडिया में लार्जेस्ट प्रोडक्शन में जूट का प्रोडक्शन किया जाता है और ये काफ़ी फेमस है। इसे गोल्डन क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। इससे काफ़ी चीज़ें बनती है लाइक मेट, मतलब चटाई है, रस्सियाँ हैं, चेयर्स हैं, कारपेट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, काफ़ी चीज़ें घर में साज सजावट की जो रहती है वो जूट से बनती है। लेकिन अदर फाइबर्स की हम बात करें तो जूट आज की तारीख में, आज की यदि हम बात करें तो जूट का प्रोडक्शन महंगा है, जूट की कॉस्ट महंगी है, इसलिए जूट का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में थोड़ा लो है। लेकिन जूट जो है वो इंडिया से इंट्रोड्यूस हुआ है और काफ़ी मात्रा में इसका प्रोडक्शन हमारी कंट्री से आज भी होता है। इसके लीडिंग स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा एंड मेघालय। इसको ग्रो करने के लिए थोड़ा मॉइस्ट एटमॉस्फेरिक क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। सो इसीलिए इसे मेजर इसका जो प्रोडक्शन होता है वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है ऑल ओवर इंडिया में। ये तो हो गई हमारी क्रॉप्स की बात, क्रॉस पैटर्न्स की बात, क्रॉपिंग पैटर्न्स की बात, सब बात। लेकिन अब हम बात करें कि हमारी कंट्री में किसान, आज की जनरेशन में हम कोई भी किसान नहीं चाहेगा कि उसका बेटा जो है वो किसान ही बने। सो हमारी कंट्री में क्या होता है कि किसान को काफ़ी चीज़ों प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, उनके कारण ही आज जो है हम हैं। सो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के लिए काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध करा दी है। जैसे हम बात करें कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस उनके लिए ओपन करा दिए गए हैं। हमारी गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए क्या स्टेप्स ले रही है, जैसे बात करें कि उन ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल KCC किसान क्रेडिट कार्ड से जो फार्मर्स होते हैं यदि उन्हें लॉस होता है तो जो गवर्नमेंट होती है वो उन्हें लोन फाइनेंस करती है और इनका जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है, जिससे किसानों को ज़्यादा उसमें रेट ऑफ़ इंटरेस्ट नहीं लगे। हमारी गवर्नमेंट काफ़ी उन लोगों के लिए स्कीम्स निकाली है जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और उन्हें किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस ना करें। जैसे हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल कि उनके लिए काफ़ी शोज़ वगैरह, टेलीविजन, रेडियो पे उनके लिए प्रोग्राम किए जाते हैं एग्रीकल्चर, ताकि वो लोग नए से नई चीज़ों को सीख सकें।
किसानों का एक्सप्लॉयटेशन ना किया जा सके, ताकि वो अपने आप को और बेटर कर सकें, उन्हें कोई भी चीट नहीं कर सके कि इस जो भी काम हो रहा है या उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, या उन्हें लेक ऑफ नॉलेज के कारण उन्हें किसी भी टाइप की कोई भी चीज़ जो है उन्हें फेस करनी पड़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया हो रहा है। उससे हमारी नेशनल इकोनॉमी को क्या अफेक्ट होता है, क्या प्रॉफिट होता है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसका क्या आउटपुट है, वो भी सब जो है वो एनालिसिस किया जा रहा है। अबाउट 52% हमारी कंट्री में यदि हम बात करें तो 52% एग्रीकल्चर किया जाता है, और इससे 2010-11 में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया गया है ड्यू टू एग्रीकल्चर। हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर के लिए जो स्टूडेंट जो आगे पढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ओपन की, ताकि वो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर सकें, उसे और इम्प्रूव कर सकें, ताकि हमारा इंडिया का जो कल्चर एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हो सके, उससे काफ़ी हमें फ़ायदा हो और उन्हें भी फ़ायदा हो, जिससे हमारी इकोनॉमी में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। सो यहाँ पे आज हम अपना टॉपिक कम्प्लीट